पुणे के पोर्शे एक्सीडेंट केस में जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है और इस रिपोर्ट में किशोर न्याय बोर्ड के आदेश में खामियां बताई गई हैं और साथ ही ये कहा गया कि आदेश जल्दबाजी में दिया गया था और ब्लड रिपोर्ट में खामियों पर भी विचार नहीं किया गया। इस मामले में नाबालिग आरोपी बाल सुधार गृह में है। केस से जुड़े अलग अलग मामलों में उसके माता पिता और दादा भी जेल में ही हैं। आपको बता दें कि पुणे में हुए इस हादसे में दो युवाओं की मौत हो गई थी जिसमें एक युवती शामिल थी, जिसके बाद से नाबालिग आरोपी के परिवार के सदस्य समेत कई और लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। और इसी मामले में 14 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट में हाइबस कॉप्स यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई हुई। आरोपी के वकील प्रशांत पाटिल और चाची ने यह याचिका दाखिल की थी। याचिका में ये कहा गया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 14 के तहत नाबालिग को हिरासत में नहीं लिया जा सकता। उसमें यह भी कहा गया कि चाहे वो जमानती अपराध हो या गैर जमानती, मामले को जानबूझकर राजनीतिक एजेंडे के तहत बढ़ाया गया। नाबालिग आरोपी को चाची के साथ रखने की मांग इस याचिका में की गई है और लोगों के बढ़ते दबाव के कारण परिवार जेल में है ये भी कहा गया। और साथ ही कहा गया कि लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस आरोपी के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जुवेनाइल बोर्ड के फैसले पर सवाल न्यायपालिका पर हमला है। नाबालिग को दादा से अलग निगरानी में क्यों रखा गया, ये सवाल भी इसमें उठाए गए हैं। और यहाँ पर आपको बताएं कि जाने माने वकील और लेखक पी साईनाथ ने भारत की स्थानीय भाषाओं को लेकर कहा है कि हर कोई और विशेष रूप से जो लोग सार्वजनिक जीवन, शिक्षा, व्यवसाय और कारोबार जगत में काम करते हैं, उन्हें भाषाओं से जुड़े स्थानीय शब्द का प्रयोग फौरन बंद कर देना चाहिए। पी साईनाथ ने सोशल मीडिया पर बताया कि ऐसा क्यों करना चाहिए, क्या हम अपनी सैकड़ों सुंदर भाषाओं को स्थानीय भाषा के रूप में संदर्भित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने लिखा कि या उन्हें केवल भारतीय भाषाएं ही कह सकते हैं, हम इनको भाषाओं को एक समूह के रूप में बता सकते हैं, या इन्हें केवल उनके तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी या किसी अन्य नाम से ही बताया जा सकता है।